भक्तों के भाव कितने कितने प्रकार के होते हैं कोई बता नहीं सकता है। जो शास्त्रों में वर्णित है वो तो 5 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में जो वर्णित है शांत भाव एक, दूसरा दास्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा वात्सल्य भाव और पांचवा माधुर्य भाव। इस शास्त्रों में जो वर्णित है 5। लेकिन अभी एक भक्त का अनुभव आया था यूट्यूब में, प्रिया जी का अनुभव, उसको फोटो योगिनी, प्रिया योगिनी का अनुभव, वो राम जी को भाई मानती। अभी पांचों भाव में कोई नहीं आता है, सख्य वात्सल्य माधुर्य ये शांत भाव ये सब जो हमने बताया इसमें कोई नहीं आता। द्रौपदी जी भगवान कृष्ण को भाई मानती थी। ऐसे ही भक्तों के विचित्र विचित्र भाव होते हैं। और महाराज जहां बहुत ज्यादा निकटता होती है, अतिशय निकटता होती है, वहां पर तू तय और छलिया और कारो ये सब तो ब्रज में बोले जाते हैं। बहुत सुंदर नहीं, अरे काला कलूटा है तो कारो है, ये दुश्मन नहीं बोल रहा है, ये प्रेम की अधिकता में बोला जाता है। ऐसी जो भजन आप सुनने जा रहे हैं, ये कन्हैया तू निठुर है पीर को जाना नहीं। भगवान निष्ठुर नहीं होते, निष्ठुर मतलब निष्ठुर। निष्ठुर का तात्पर्य होता है हृदयहीन, मतलब दूसरे की पीड़ा को बिल्कुल न समझने वाले, उसको निठुर बोलते हैं, निष्ठुर बोलते हैं, हृदयहीन बोलते हैं कि दूसरे के पीड़ा को समझे ही नहीं। लेकिन ये गोपी ऐसा कभी कभी बोल देती हैं, और कभी कभी गोपियां महाराज किताव कह देती हैं भगवान को, और ऐसे ऐसे शब्द बोल देती हैं जो शायद शिशुपाल भी नहीं बोला होगा। शिशुपाल की तो गर्दन काट दी गई थी, लेकिन गोपियों के उस प्रेम के शब्द में ठाकुर जी बिक जाते हैं। ऐसे ही एक भक्ता का भाव है कि प्रभु तुम्हारे लिए तो मैंने ये सोचा, लेकिन आप तो बिल्कुल निष्ठुर हो गए। भक्त के इस भाव को श्रवण करिए, फिर हम सुनाएंगे योगानंद जी का चरित्र आपको। श्री राधे राधे। हे कन्हैया